हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बंगाली भेज थाली बनाने जा रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मैंने उसके लिए गोभी और ग्रीन पीस, गाजर सब कुछ ले ली। और यहाँ पे मैंने आलू, टमाटर, अदरक और हरी मिर्च, इन सबको काट के रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सकते यहाँ पे हमारे कढ़ाई में मैं पहले यहाँ पे एक ड्राई मसाला रेडी कर लूँगी। हमारा कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें पहले मूंग दाल भूज के निकाल लेती हूँ। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे आपने, मैं यहाँ पे मूंग दाल ले अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे हमारा मूंग दाल अच्छे से फ्राई हो चुका है। हमारा मूंग दाल ब्राउन कलर हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के धो के, देखिए मैं इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर ली। उसमें मैंने टमाटर और 4-5 ग्रीन चिल्ली डाली। अब मैं यहाँ पर इसमें नमक डाल के इसे सीटी मार, मैं दाल के लिए कुछ ड्राई मसाला रेडी करूँगी। तो उसके लिए देखिए, यहाँ पे मैंने जीरा, धनिया, इलायची, लाल मिर्ची और तेज़पत्ता, दालचीनी ले ली। अब मैं इसे थोड़े से ड्राई रोस्ट करूँगी हल्के धीमी आंच पे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट कर रही हूँ मसाले को हल्के, आपको एक ही मिनट सौटे करना है। तो वहाँ पे हमारा मसाला हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बैंगन फ्राई कर लेती हूँ। तो बैंगन में मैं यहाँ पे हल्दी और नमक देके कोट कर ली। अब मैं कढ़ाई में ऑयल दे दी, यहाँ पे मैंने सरसों की तेल दी हूँ। तो देखिए, सरसों का तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें बैंगन दे दी हूँ, एक एक करके सारे बैंगन को दे के इसे मैं अच्छे से गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करूँगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बैंगन गोल्डन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे पलट भी ली। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे हमारा बैंगन फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ पे मैंने बैंगन को एक्स्ट्रा ऑयल से निकाल ली। हमारा बैंगन फ्राई हो चुका है और यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, हमारा दाल भी बॉईल हो चुका है। दाल को कुकर का ढक्कन निकाल के इसे 5 मिनट के लिए फिर से बॉईल करने के लिए बैठाऊँगी। अब मैं उसमें कुछ ग्रीन पीस डाल दी। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन पीस डाल दी दाल में और इसे अच्छे से चला के इसे 5 मिनट तक हम बॉईल करेंगे। हमारा ग्रीन पीस बॉईल ना हो जाती तब तक हमारा यहाँ पे दाल के लिए देखिए मैं गोभी, गाजर, बीन्स कट कर ली। मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल ले ली। देखिए यहाँ पे हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ खड़े मसाले डालूँगी, जैसे यहाँ पे लाल मिर्च और जीरा डाल दी। इसे अच्छे से फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें कुछ 2 तेज पत्ते भी दे दी। इसे फ्राई करने के बाद इसमें जितनी सारी सब्ज़ी है वो सारी सब्ज़ी इसमें डाल देंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने गोभी, गाजर, बीन्स को भी यहाँ पे डाल दी और इसे मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। ये खड़े मसाले के साथ इसे अच्छे से मिला के इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करना है, जब तक जिसमें कि हमारा सब्ज़ी भी पक जाए और हमारा सब्ज़ी का कलर भी कलर आ जाए। देखिए हमारा दाल कितना अच्छे से बॉईल हो चुका है। दाल वहाँ पे रेडी है, यहाँ पे हमारा सब्ज़ी भी पक के रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा हल्दी दे रही हूँ, क्योंकि मैं दाल में हल्दी नहीं दी थी इसलिए। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर दी, क्योंकि थोड़ा स्पाइसी हो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा चीनी दी, क्योंकि ये भेज डाले तो इसमें चीनी देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा स्वाद के अनुसार नमक भी दे दी। और यहाँ पे अब मैंने अदरक दी। ये दाल में सिर्फ अदरक का ही मसाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने अदरक दे दी और इन सबको अच्छे से मिला के लिए इसे अच्छे से फ्राई करूँगी, जैसे कि अदरक का जो कच्चा स्मेल रहता है ना वो चला ही जाए। कि यहाँ पे हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें जो दाल बॉईल करके रखी थी वो दाल इसमें डाल दी। सत्ते अब मैं दाल को इसमें डाल के अच्छे से इसे मिला के इसे 1 मिनट के लिए इसे पकाऊंगी। देखिए यहाँ पे हमारा 1 मिनट के लिए पक चुका है। अब मैं यहाँ पे जो ड्राई की थी मसाला रोस्ट करके वो मसाला मैं यहाँ पे डाल दी। इसे डाल के इसे अच्छे से मिला दूँगी। मिला के देख सकते हैं यहाँ पे हमारा मसाला और दाल कितना अच्छे से मिल रहा है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी दे देती हूँ। घी देने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छा आता है इसीलिए। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी भी दे दी और दाल को अच्छे से मिला के अब मैं इसे कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने थोड़ा धनिया पत्ता भी दी हूँ, क्योंकि फ्लेवर अच्छा आता है। और कोई भी दाल में अगर आप धनिया पत्ता देते तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसीलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता भी दे दी, इसे अच्छे से मिला के अब मैं इसे साइड कर लेती हूँ। दाल कंप्लीट हो चुका है। हमारा दाल कितना अच्छा और कितना टेस्टी बना है। अब मैं यहाँ पे गोभी की सब्ज़ी के लिए
तैयारी कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे गोभी की सब्जी के लिए मैं यहाँ पे गोभी आलू को कट कर ली। अब गोभी की सब्जी के लिए मैं यहाँ पे कुछ खड़े मसाले ली, इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। कि यहाँ पे हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें वो मसाले डाल के इसे थोड़ा हल्का ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने इलायची, लौंग, जायफल, तेज़पत्ता, धनिया इसे ड्राई रोस्ट कर ली। यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें आलू और गोभी को डाल के इसे अच्छे से फ्राई करूँगी जब तक इसमें गोल्डन ब्राउन ना आ जाते तब तक। आलू और गोभी को अच्छे से फ्राई करने के बाद देखिए यहाँ पे मैंने ढक दी, ढक के इसे अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें की लाल मिर्च डाली, जीरा डाली और यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता डाल दी। एक मिनट के लिए और पकाऊंगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के इसे फिर से एक मिनट के लिए पकाई। मैं इसमें टमाटर, ग्रीन चिली और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। मैं इसमें कोई भी अदरक, लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं की। यहाँ पे मैंने सब कुछ डाल के इसे अच्छे से मिला लेती हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ सूखी मसाला डालूँगी, जैसे जीरा पाउडर, नमक, हल्दी और मिर्चा पाउडर, थोड़ा सा चीनी। अब ले ली, देखिए अब मैं यहाँ पे ये सब कुछ डाल दे रही हूँ। ठीक है, इसे फिर से अच्छे से एक बार चलाऊँगी, हमारा मसाला और सब्जी अच्छे से मिल नहीं जाती तब तक। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सब्जी और मसाला सब कुछ कितना अच्छे से मिल चुका है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन पीस दे दी कुछ, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ग्रीन पीस दे दी और इसे अच्छे से मिला लूँगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम अच्छे से मिला ली के। अब मैं इसे एक मिनट के लिए करूँगी। तो देख ही सकते हैं यहाँ पे हमारा सब्जी हो रहा है और यहाँ पे मैंने झुरझुले आलू फ्राई कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं आलू कट करके उसे इस क्यूब डाल के रख दी और यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी में से थोड़ा सा पानी भी निकला है। मैं यहाँ पे कोई पानी इस्तेमाल नहीं की, देखिए उसी में हमारा आलू गोभी सब कुछ अच्छे से पक चुका है। अच्छे से एक बार चला लेती हूँ, फिर से एक मिनट के लिए ढक के इसे पकाऊँगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा गोभी, आलू, मटर की सब्जी रेडी है। पानी की इस्तेमाल नहीं की, ये मैं ड्राई करके बना रही हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो सूखी मसाला रखी थी ड्राई रोस्ट करके वो मसाला यहाँ पे दे देती। तो देखिए यहाँ पे मैंने वो मसाला देके इसे अच्छे से मिला लूँगी, मसाले और सब्जी अच्छे से मिल जाए। कि हमारा अच्छे से मिल चुका है, यहाँ पे हमारा गोभी की सब्जी भी रेडी है। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता दे देती हूँ। धनिया पत्ती इसे सब्जी का स्वाद और बहुत अच्छा आता है इसीलिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता दे के इसे अच्छे से मिला लूँगी और यहाँ पे हमारा गोभी, आलू, मटर की सब्जी रेडी है। अब मैं यहाँ पे झुरझुरे आलू फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैं आलू को पहले एक छन्नी में डाल के उसका एक्स्ट्रा पानी सब निकाल के उसे सुखा ली। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा रिफाइंड ऑयल गर्म हो चुका है। पहले मैं इसमें करी पत्ता और सूखी लाल मिर्च, अगर आपके पास बादाम रहेगा तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए मैं नहीं डाली। उसे निकाल के अब मैं उसी तेल में आलू को भी डाल दे रही हूँ। ये आलू को डाल के फ्राई हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्लेटिंग करके दिखाई, हमारा बंगाली भेज थाली कितना टेस्टी, कितना यमी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा।